धूप और हल्की हवा ने दिल्ली को जहरीली हवा से थोड़ी राहत दी है। आसमान में छाई धुंध कम हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से नीचे आया है, लेकिन सेहत के लिए ये भी बेहद खतरनाक स्तर है। राजधानी में पिछले चार दिनों के एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा देखें। 11, 12 और 13 नवंबर को एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर था। आज दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से नीचे आया है। मौसम विभाग के मुताबिक हवाओं के चलने से 2 से 3 दिन स्मॉग से राहत मिल सकती है। स्मॉग आज काफी कम है। मौसम विभाग का कहना है कि जिस तरह से हवाएं चल रही हैं और धूप निकल रही है, इस वजह से जो स्मॉग की चादर है वो दिल्ली में आज काफी कम है, इसलिए अक्षरधाम आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हवा अब भी जहरीली बनी हुई है। हाल यह है कि घर के बाहर हो या अंदर, दिल्ली की दम घोटू हवा से कहीं भी राहत नहीं है। ये बैडमिंटन के खिलाड़ी दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ आजकल रेड बुल महिला बैडमिंटन का टूर्नामेंट चल रहा है, जिसमें देश के कई राज्यों से महिला खिलाड़ी आई हैं। ये इंडोर स्टेडियम है, लेकिन यहाँ भी प्रैक्टिस के दौरान सांस जल्दी फूलने लगती है और आंखों में जलन होने लगती है। ब्रीथिंग में प्रॉब्लम है और दिखता बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिखता है। आंखों में जलन भी हो रही है, सांस लेने में थोड़ी बहुत। आउटडोर वी गो फॉर ट्रेनिंग। ओके, तो उस टाइम विजिबिलिटी कैसा रहता है? इन अर्ली मॉर्निंग इट्स जीरो अनलेस एंड अंटिल देयर इज सनशाइन इन द इवनिंग और एन आफ्टरनून टाइम। दिल्ली के साथ साथ एनसीआर का पूरा इलाका इस वक्त प्रदूषण की मार झेल रहा है। गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम की हवा भी कम जहरीली नहीं है। आंकड़े देखिए, गुरुग्राम को छोड़कर बाकी जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से ज्यादा है। तय है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में सांस लेना जिंदगी नहीं मौत का सौदा है। ये जहरीली हवा हर उम्र के लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण का शिकार होने वाले लोगों के लिए ये मुसीबत बढ़ाने वाली है। कि जो पोल्यूशन का लेवल है, निश्चित रूप से बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और हमने देखा है कि पोल्यूशन की वजह से काफ़ी सारे जो बीमारियां हैं वो बहुत खतरनाक स्तर पर होने की वजह से बुजुर्गों में, बच्चों में, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में, और वो पेशेंट जिनको कि सांस की तकलीफ है या वो पेशेंट जिनको कि पहले से कोविड हो चुका है, उनकी समस्याएं बढ़ गई हैं। हमने देखा है कि हमारे इमरजेंसी में, ओपीडीज में और वार्ड्स में कुछ पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनको कि सांस में तकलीफ हो रही है, जिनको बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस हो रही है, और उसकी वजह से उनका ऑक्सीजन का लेवल है वो भी कंप्रोमाइज हो रहा है, डिप हो रहा है, और उनको हमें इवन नेबुलाइजेशन करने की आवश्यकता हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिन के बाद हालात कुछ बदल सकते हैं। हम अगर न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स से जाते हैं, जैसे वेदर प्रेडिक्शन का जो मॉडल्स हैं, तो उसके हिसाब से लग रहा है कि अगले 3-4 दिन में कोई चेंज नहीं होने वाला है। विंड्स काम रहेंगे, 10 नॉट के बिलो विंड स्पीड रहेगा और थोड़ा नॉर्थ वेस्टली विंड प्रिवेल करेगा दिल्ली के ऊपर। जहां तक सवाल है विंड स्पीड का, अगर 10 नॉट के कम विंड स्पीड का बात करें तो लगभग आप कह सकते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में एटमॉस्फेयर है। इसमें बहुत ज्यादा कोई मेजर चेंजेस नहीं आएगा। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर के लोग हर साल इस परेशानी से जूझते हैं। हर साल प्रदूषण कम करने को लेकर चलने वाली बहस और चर्चा समय की धुंध में गुम हो जाती है। अमरदीप कुमार के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।